पाकिस्तान में मानसून कहर बनकर टूट पड़ा है। कंगाल पाकिस्तान में आई बाढ़ ने इस देश की कमर तोड़ कर रख दी है। पहले से ही महंगाई से परेशान पाकिस्तान में बाढ़ से खाने का संकट पैदा हो गया है। तबाही का आलम यह है कि पड़ोसी देश में मानसूनी बारिश और बाढ़ से करीब 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इसी बीच पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद और संवेदनाओं का दौर भी शुरू हो गया। पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान में आई बाढ़ पर दुख जताते हुए पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की थी। लेकिन अब 2 दिन बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की नींद टूटी तो उन्होंने पीएम मोदी का ट्वीट देखा और लग गए आभार जताने। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों ने किस तरह से जवाब दिया वो आज आपको दिखाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान में बाढ़ से होने वाले मानवीय और संसाधनों के नुकसान पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई थी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया था, पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों, इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं। ये ट्वीट पीएम मोदी ने किया था 29 अगस्त को और शहबाज शरीफ को याद आई 31 अगस्त को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आभार जताते हुए कहा कि मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के कारण हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इंशाल्लाह अपने विशिष्ट गुणों के साथ पाकिस्तान के लोग इस प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करेंगे और अपने जीवन और समुदाय का पुनर्निर्माण करेंगे। पाकिस्तान ने भले ही भारत से कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए हों, लेकिन बाढ़ से बर्बादी के बाद उसे अब भारत की याद सता रही है। वैसे पाकिस्तान आज भी कुछ जरूरी जीवन रक्षक दवाएं भारत से लेता है। अब फिर पाकिस्तानियों के जीवन बचाने की बात आई तो पाकिस्तान भारत की ओर उम्मीद से टकटकी लगा रहा है। मानसूनी बारिश ने पूरे पाकिस्तान में भीषण तबाही मचा दी है, जिससे अब तक करीब 1100 लोगों की मौत हुई और खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो शायद नींद से जागे हैं। तभी तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया 31 अगस्त को। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि शहबाज शरीफ के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान की जनता आखिर क्या बोल रही है। सैमुअल्ला खान कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार दोबारा शुरू होना चाहिए। भारत को पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में जब यहाँ बाढ़ से तबाही मची है तब कदम आगे बढ़ाने चाहिए। व्यापार खुलेगा तो दोनों राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अफजल कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार शुरू कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें सस्ती सब्जियां मिले और खाने की महंगाई भी कंट्रोल हो सके। इससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम व्यापार शुरू करते भारत के साथ। जमालुद्दीन मंसूर कहते हैं कि डियर पीएम, कृपा करके भारत और पाकिस्तान के बीच इस व्यापार को जल्दी खोलिए, ये दोनों देशों के लिए बहुत लाभदायक है। कब तक आप सब लड़ते रहेंगे, जिसमें आप बहुत कुछ खो चुके हैं और मिला कुछ भी नहीं। धर्म से बड़ी इंसानियत होती है, इसीलिए इसके बारे में गंभीरता से सोचें और दोस्ताना संबंध बनाएं। सौरभ खान भी यही बात बोल रहे हैं कि प्लीज भारत के साथ अपना व्यापार खोल लीजिए, प्रैक्टिकल बनिए। तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी जनता चाहती है कि पाकिस्तान के भारत से रिश्ते सुलझ जाएं। लेकिन पाकिस्तानी पीएम क्या चाहते हैं ये तो सब जानते हैं। फिलहाल देखना होगा कि पाकिस्तान इस त्रासदी से कैसे उबरता है, क्योंकि वो तो भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। पाकिस्तान को भारत से मदद की आस है और ये उम्मीदें तब से ज्यादा बढ़ गई हैं जब से पीएम मोदी ने बाढ़ से बर्बादी पर चिंता जताई है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।